नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला 24 पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए इतिहास का एक नया किस्सा हमेशा लेकर आता हूं। आज हम इतिहास के एक किस्से की बात करेंगे मेवाड़ प्रशासन में। मेवाड़ में उन दिनों शासन हुआ करता था महाराणा लाखा, लक्ष्य सिंह मेवाड़ का शासन हुआ करता था। और महाराणा लाखा ने बूंदी के हाड़ा चौहानों में, चौहानों की एक ब्रांच होती है हाड़ा, हाड़ा चौहानों के अंदर एक शादी की थी और उनकी रानी जो हाड़ी रानी कहलाई, हाड़ी रानी से शादी की और शादी करके आ गए चित्तौड़। शादी करके जब चित्तौड़ आ गए और महाराणा लाखा जी ने अगले दिन जैसे खाने के ऊपर गए तो रानी से बात की और बोले कि कैसा लगा हमारा चित्तौड़, मन लगा कि नहीं लगा? तो रानी ने जवाब दिया, हाँ वो मन तो लग गया, चित्तौड़ कैसा लगा? चित्तौड़ अच्छा है लेकिन बूंदी जीतना नहीं। ये बात बोलते ही महाराणा लाखा को बात चुभ गई, ये बात चुभ गई, बूंदी ज़्यादा अच्छी है चित्तौड़ के कंपेरिजन। ये महाराणा लाखा से सहन हुआ और लाखा ने कहा वाकई बूंदी ज़्यादा सुंदर है। तो उन्होंने रानी से पूछा कि फिर बता कौन अच्छा है। बोले अब रानी ने उनकी स्थिति भांप करके बीच बिचाव करते हुए उन्होंने बोला कि चित्तौड़ भी अच्छा है, बूंदी भी अच्छी है। लाखा जी अपनी बात पे अड़ गए, लेकिन खाना खाते हुए लाखा जी ने खाना एक साइड में रख के पहले बोले ये बताओ कौन सा अच्छा है, चित्तौड़ अच्छा है या बूंदी अच्छी है? अगर दोनों में से एक ही बताना हो तो कौन सा अच्छा है? तब रानी भी हाड़ी रानी थी, उसने हिम्मत करके बताया कि अच्छी तो साहब देखो बूंदी है। राणा लाखा ने ये भी पूछा कि घूम फिर के आप पूरा चित्तौड़ देख के आओ, पद्मिनी के महल देख के आओ, सारी चीज़ें देख के आओ, उसके बाद पता लगाओ कौन सा अच्छा। नहीं, बोले बूंदी अच्छी है, रानी ने बोला। जब रानी ने बूंदी को अच्छा बता दिया तो महाराणा लाखा ने खाने से उठ करके तुरंत बाहर गए और सेनापति को बोला अरे सेना निकालो, बूंदी ज़्यादा अच्छी है तो बूंदी पर आक्रमण करेंगे और बूंदी को अभी की अभी जीतेंगे, बूंदी अपने मेवाड़ प्रशासन के अधीन आनी चाहिए। ये बात सुनते ही सेनापति ये सब क्या महाराज हुआ क्या, बात तो बताओ, बूंदी पे आक्रमण एकदम से, कल तो तुमने वहाँ तोरण मारा है, आज तुम वहाँ तलवार बजाएंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा वहाँ? तो किसी बीच बचाव करने वाले किसी अच्छे मंत्री सलाहकार ने आकर के बोला कि जी महाराज ऐसा करो, अभी नई नई शादी हुई है बूंदी में आपकी, आप बूंदी पे कल तो तोरण मार के आए हो, आज अगर तलवार चलाएंगे तो अच्छी बात नहीं रहेगी, इसलिए आप एक काम करो, मैं बताता हूँ, आप अपने प्रदेश के बाहर एक नकली बूंदी बनवाओ। और उनकी सलाह के अनुसार उन्होंने नकली बूंदी बनवाई और नकली बूंदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए लाखा जी तैयार हुए। लाखा जी तैयार होकर के नकली बूंदी जब तैयार हो गई तो लाखा जी जैसे ही तीर चलाने लगे नकली बूंदी पे, उससे पहले एक तीर सामने से आके लाखा जी के पास गिरा। एक तीर जब सामने से आया तो लाखा जी सुन्न हो गए, खैर इस नकली बूंदी में भी कौन तीर चलाने वाला आदमी आ गया इसके अंदर, देखो जरा पता करो। जब देखा तो उसके अंदर एक 10-12 साल का वीर जवान उसके अंदर खड़ा था जो तीर चला रहा था और उसने तीर चलाया था। और ये जवान दूसरा कोई नहीं था, लाखा जी का साला कुंभा हाड़ा था, जो कि पुराने ज़माने में जब शादियां होती थी लड़कियों की तो उनके साथ में भाई भतीजे कोई छोटा बच्चा रहता था उसको साथ में भेजा जाता था और वो उनके साथ आया हुआ था। लाखा जी की नई नई शादी हुई थी तो उनकी रानी हाड़ी रानी के साथ में आया हुआ था। तो साहब उसने तीर चलाया, उसको बहुत ज़्यादा समझाया सामंतों ने, सरदारों ने, लाखा जी के सामंतों ने खूब समझाया उसको, अरे बावड़े कुछ नहीं धरा इसके अंदर, क्यों तीर चला रहा है? लेकिन वो माना नहीं साहब, उसने बोला आप असली को तो जीत नहीं सकते, वो तो बात ही अलग है, नकली को भी नहीं जीत सकते। और यहाँ पे राजस्थानी कवियों ने एक शानदार दोहा बनाया है बूंदी की प्रशंसा में, नकलीगढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, नकलीगढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरे असलीगढ़ पे आन, नकलीगढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरे असलीगढ़ पे आन। बोले कि साहब जब आप असलीगढ़ तो जीत ही नहीं सकते, नकलीगढ़ भी जब मैं नहीं दे रहा तुम्हारे को, उसके लिए भी तुम्हारे को लड़ाई करनी पड़ेगी, तो असलीगढ़ को, असली बूंदी वाले गढ़ को जीतने के लिए तो आपको सिर कटवाने पड़ेंगे, तब जाकर के असली बूंदी का गढ़ मिलेगा। ये कुंभाड़ा की वीरता ही थी जो महाराणा लाखा और उसके प्रशासन में जिन्होंने नकली बूंदी का निर्माण किया और उसके सामने उनकी वीरता का ही था, वीरता का ही ये परचम था कि उन्होंने युद्ध लड़े बिना
नकली बूंदी को हराने नहीं दिया। और आज भी हम कुंभाड़ा को इतिहास में याद करते हैं। एटलीस्ट राजस्थान सरकार तो अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछती है कि नकली बूंदी के लिए लड़ने वाला कौन सा हाड़ा शासक था, उसके अंदर नाम आता है कुंभाड़ा, जिसने महाराणा लाखा का सामना किया और उसको कुंभाड़ा को मारने के बाद ही उनका नकली बूंदी पर अधिकार हुआ। तो पहले बूंदी के अंदर ऐसे शासक हुआ करते थे राजपूताने में, जो बात के लिए लड़ जाया करते थे, असली दूर की बात नकली दूर की बात। नकली के लिए भी वो अपना सिर कटा दिया था कुंभाड़ा ने, और लाखा जी ने आखिर के अंदर उसको मार के ही वो नकली बूंदी पे आक्रमण किया था। ऐसे नकली बूंदी नहीं जीत पाए थे, और ये जीतना भी इसलिए ज़रूरी हो गया था कि लाखा जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक अब मैं बूंदी को जीत करके अपने पास नहीं मिलाऊंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए वहाँ के सामंतों और सरदारों ने फिर ये नकली बूंदी का निर्माण किया था। ऐसे तो महाराणा लाखा परेशानी में आ जाते थे, इसलिए उन्होंने नकली गढ़ बनाया बूंदी का और उसके ऊपर बूंदी फोर्ट लिखा और महाराणा लाखा जी से तीर चलवाए। और तीर का जब सामना हुआ तो लाखा जी की आंखें खुल गई, और लाखा जी की आंखें खुली तब उनको पता चला अरे यहाँ तो एक हाड़ा जिंदा। तो उस कुंभाड़ा ने लाखा जी को कहा था कि लाखा जी जब तक एक 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 हाड़ा जिंदा है तब तक आप बूंदी के नकली पे भी आक्रमण नहीं कर सकते, असली तो दूर की बात है। तो ऐसे ऐसे इतिहास में अपने योद्धा हुए हैं इतिहास के अंदर। इन इतिहास के वर्णन जो कथानक कहानियाँ हैं उनको अगर पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। राजस्थान की शौर्य गाथा का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है दोस्तों। अगले किस्से के साथ हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मेरे चैनल को अगर मेरे किस्से आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।